ससुराल में जाकर जमकर नाचना तो कोई पवन सिंह से सीखे। जी हाँ, इन दिनों पवन सिंह का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि पवन सिंह ये जो डांस कर रहे हैं ये अपने ससुराल की सरजमी पर कर रहे हैं। जी हाँ, पवन सिंह की ससुराल है बलिया और आपको बता दें कि बलिया में ही पिछले साल पवन सिंह का एक स्टेज शो हुआ था। ये स्टेज शो इतना धमाकेदार था कि इसे काफ़ी दिनों तक याद रखा गया और पवन सिंह के सफलतम स्टेज शो में से एक है। यहाँ पर पवन सिंह ने जमकर अपनी कमर हिलाई। जी हाँ, आपको बता दें कि इस स्टेज शो में पवन सिंह इतना नाचे कि जो भी ये स्टेज शो देखने आया था उसने ये कहा कि इससे पहले इतना पवन सिंह को स्टेज पर नाचते और खुश होते नहीं देखा गया। आपको बता दें कि इसके पीछे रीज़न यही बताया जा रहा था कि भाई ससुराल है, यहाँ पर पवन किसी को नाराज़ नहीं करेंगे, इसलिए पवन सिंह ने यहाँ जमकर डांस किया। वैसे पवन सिंह ने यहाँ पर अपने लगभग सारे सुपरहिट गाने गाए। उस वक्त रिलीज़ हुई फिल्म क्रैक फाइटर के गानों पर तो पवन सिंह ने पलंग तोड़ वाला डांस किया। जी हाँ, पवन सिंह जितना अच्छा डांस कर रहे थे भाई गाने में तो उनका सानी वैसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है। पवन ने जितना अच्छा गाया उससे भी ज़्यादा तो उन्होंने डांस करके सबका दिल जीत लिया। जब लोगों ने ज़िद की कि पवन कुछ बोले तो पवन सिंह ने यहाँ अपने फ्रेंड दीपक सिंह की जमकर तारीफ़ की। फिर बाद में सभी का अभिवादन करते हुए ये कहा कि आज वो जो कुछ भी हैं अपने फैंस की वजह से हैं, फैंस उनके भगवान हैं, जो कि अमूमन पवन हर एक लाइव शो, हर एक स्टेज शो और हर एक वक्त जब वो लाइव आते हैं तब कहते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ये पूछा गया कि क्यों पवन सिंह इतने खुश हैं और उनकी खुशी पूरी तरह से झलक रही है, तब पवन सिंह ने खुद कहा कि भाई मैं यहाँ का दामाद हूँ, जिस तरह चाहूँ लोगों को नचा सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं आज आप सभी का दिल जीतने आया हूँ। तो भाई ऐसे दामाद को नाराज़ करके कौन भेजता है। और वैसे भी हमारे संस्कृति में दामाद का बड़ा ही ऊंचा ओहदा होता है। तो भाई अपने ससुराल बलिया में जब पवन सिंह नाचे तो जमकर नाचे। भले ही ये वीडियो एक साल पुराना ही क्यों ना हो, लेकिन इसने आते ही सबका दिल जीत लिया। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।